हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल आपके लिए होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन मम्मीज के लिए जिनके अभी अभी बेबी हुए हैं, 2 या 3 महीने के हैं। जी हाँ, जिनके बेबीज़ बहुत छोटे होते हैं और ऐसे में यदि वो बेबीज़ बीमार हो जाते हैं तब बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स के लिए सरदर्दी हो जाती है कि हम कैसे अपने बच्चे को स्वस्थ रखें। जी हाँ, देखिए, क्योंकि हम नई नई माएँ बने होते हैं, हम एक्सपीरियंस नहीं होता हमारे आसपास का ऐसा जो एटमॉस्फेयर, ऐसा एम्बियंस नहीं होता जो कि हमें गाइड कर सके कि यदि हमारा छोटा सा बेबी बीमार पड़ गया है तो हम उसको कैसे ठीक करें। तो ऐसे में बस हमें एक ही चीज़ नज़र आती है कि हम फटाफट से डॉक्टर के पास जाएँ और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराएँ। लेकिन बहुत छोटे बच्चे को हम दवाइयाँ, मेडिसिंस नहीं दे सकते, बार बार डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते हैं। तो हम किस तरीके से अपने बच्चे को क्योर कर सकते हैं घर पर ही? कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम उसके थ्रू अपने बच्चे को बिल्कुल हेल्दी कर सकते हैं और ज़्यादा बीमार पड़ने से भी बचा सकते हैं। कभी कभी हमें नॉलेज नहीं होती है और नॉलेज कम होने की वजह से हमारा बच्चा इतना बीमार पड़ जाता है कि एक लॉन्ग टाइम उसकी मेडिसिंस चलती रहती हैं, इवन हॉस्पिटलाइज तक हमें अपने बच्चे कराने पड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। बच्चे की कफ और जो भी कफ हो जाता है, चेस्ट में बलगम जमा हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा कुछ भी लिक्विड नहीं ले पाता, ठीक से बोल नहीं पाता, आवाज़ अजीब सी खड़खड़ कर की आवाज़ निकलती है, ऐसा लगता है कि बच्चे के गले में कुछ फंस गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे को कोल्ड कफ हो रखा है और बच्चा परेशान है, तो आपको डे वन से ही ये चीज़ें कर देनी है। यदि आप वेट करते रहेंगे कि हाँ नेचुरली ठीक हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, और ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो कोई भी होम रेडीज़ आपके बच्चे पर यूज़फुल नहीं रहेगी। तो डे वन से ही आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक्सक्लूसिवली आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। जी हाँ, ब्रेस्ट फीड ही आपको कराना है, क्योंकि जब बच्चे को कोल्ड कफ होता है तो वो ऊपर का दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चे को मदर फीड ज़रूर कराएं, ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चा भूखा नहीं रहता है। क्योंकि कफ एंड कोल्ड में बच्चा जितना लिक्विड इनटेक करेगा वो उतना ही जल्दी हेल्दी होगा, इसलिए आप अपने बच्चे को अच्छी मात्रा में ब्रेस्ट फीड कराते रहे। दूसरा आपको यह करना है कि जब बच्चे को जुखाम हो जाता है तो उसकी नोज ब्लॉक हो जाती है, उसको स्नीजिंग बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी इतना म्यूकस हो जाता है कि वो ठीक से सांस नहीं ले पाता और वो कफ छाती में जम जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह की धूप अपने बच्चों को दें, जो सुबह 1 या 1.5 घंटा या आधा घंटा जितना पॉसिबल हो आप अपने बच्चे को धूप दिखाएं, सूरज की रोशनी की तरफ बच्चे का फेस कर दें, जिससे उसको छींक आएंगी, छींक आने से जो भी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चे का जुकाम भी झड़ जाएगा। धूप दिखाना जुकाम में बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो भी बैक्टीरियाज़ होते हैं बच्चे के आसपास वो भी ख़त्म हो जाते हैं और जो छींकें आती हैं उससे जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाती है और जल्दी ही जुकाम झड़ जाता है। तो ये चीज़ भी आपको करनी है। तीसरे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को नेबुलाइज कर सकती हैं। जी हाँ, नेबुलाइज करने से बच्चे के जो भी कफ जमा हुआ वो पतला होकर पॉटी के रास्ते से निकल जाता है। तो जब बच्चे को जुखाम होता है ऐसे कंडीशन में अगर अपने बच्चे को नेबुलाइज कराते हैं तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी माना जाता है और बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि नेबुलाइज करने से जो भी कफ जमा है चेस्ट में वो एकदम ढीला होकर वो पतला होकर निकल जाता है। कोशिश करें कि बच्चे की छाती की अच्छी तरह से मालिश करें। उसके लिए तेल आप कौन सा यूज़ करना है, उसके लिए आप तेल यूज़ कर सकते हैं, गोले का तेल यूज़ कर सकते हो, सबसे अच्छा है आप देसी घी है, कैस्टर ऑयल है, तारपीन का तेल है, इससे आप अपने बच्चे की छाती की अच्छी तरह से मालिश कर सकती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, तारपीन या फिर आप कैस्टर ऑयल, इनसे ही आप बच्चे की चेस्ट की, पीठ की और पैर के तलवों की अच्छे से मालिश करें। बच्चे के कफ में, बच्चे की जो छाती में कफ जमा हो जाता है उसमें मालिश बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप मालिश कर सकती हैं। नेक्स्ट मैं बताऊँगी कि यदि कफ की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप बच्चे की सिकाई भी कर सकती हैं। सिकाई कैसे करनी है, देखिए, आप अजवाइन की पोटली बना सकती हैं, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप देखना चाहती हैं कि अजवाइन की पोटली कैसे बनाएं
तो आई बटन पर आप क्लिक कर कर देख सकती हैं कि अजवाइन की पोटली कैसे बनाए और किस तरह से उसकी सिकाई करें। अजवाइन की पोटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बच्चे की सिकाई करने में। तो आप अजवाइन की पोटली से बच्चे के चेस्ट की सिकाई कर सकती हैं, तो उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। घड़ घड़ की जो आवाज़ है वो भी ख़त्म हो जाती है। आप दिन में 2 बार बच्चे की चेस्ट की सिकाई कर सकती हैं अजवाइन की पोटली से। जी हाँ, तो इस तरीके से ये कुछ जो मैंने बिंदु आपको बताए, जैसे चेस्ट मसाज, धूप दिखाना, जो मदर फीड है वो अच्छे तरीके से कराना, बच्चों को धूप दिखाना, तो इससे क्या होता है, हर दिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके बच्चे को कफ़ और कोल्ड है तो डे 1 से ही ये सारी चीज़ें करें, देखिए आपके बच्चे का कफ़ कोल्ड कैसे ठीक नहीं होता। लेकिन जब ज़्यादा प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है, बहुत पुराना कफ़ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है और वो साफ़ नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, बच्चा बहुत परेशान है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना कफ़ कोल्ड बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के पुराना तो नहीं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में ही कफ़ कोल्ड को कंट्रोल कर सकती हैं यदि आप ये सारी चीज़ें अपनाती हैं तो। ठीक है, तो माय डियर मॉमीज, अगर आपका भी छोटा सा बच्चा है जो 3-4 महीने का है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। तो डियर मॉमीज, यदि आपको अजवाइन की पोटली बनाना सीखना है तो जैसे कि मैंने बताया, आप वो लिंक पर क्लिक करके देख सकती हैं, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप बना सकती हैं और उसको उपयोग में आप ला सकती हैं। तो आई होप माई डियर पेरेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।